नमस्कार जी, मैं उमेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है और फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई साइकिल का रिव्यू लेके। आज इस साइकिल का रिव्यू दूंगा और ये साइकिल में क्या है, अच्छा बुरा सब कुछ मैं बताऊंगा। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करूँ, साइकिल फोटोन मॉडल है, BSA ब्रांड का है। फोटोन EX इसका मॉडल है और ये SLR साइकिल है, जो कि ज़्यादा दूरी कम एनर्जी खर्च करके चलाना हो, साइकिल पे जाना चाहते हैं, एनर्जी कम खर्च हो, स्मूथ चले, तो उसके लिए जानी जाती है। हाइब्रिड भी इसको कहते हैं, हाइब्रिड। तो सबसे पहले सीट की बात करें तो सीट काफ़ी मुलायम है यहाँ पे बैठने के लिए, देख सकते हैं। उसके साथ ही जूत पड़ने पर यहाँ पर नट लूज करके इसका सीट ऊपर भी कर सकते हैं। स्टिकर देख सकते हैं, इसके काफ़ी डिज़ाइनदार दिए हुए हैं और इसमें सिल्वर कलर का स्टिकर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। ब्लैक फ्रेम है जो कि मेटल का है और इसके साथ फ्रंट में हम देखेंगे हैंडल इसमें मेटल का मिल जाता है और TI का इस पर देख सकते हैं। नट बोल्ट पूरा ओरिजिनल आइटम यूज किया गया है। हैंडल ग्रिप जो है प्लास्टिक के हैं, रबड़, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है। ब्रेक लीवर की बात करें तो 909 इसमें ब्रेक लीवर दिया गया और ये अलॉय का है और सिल्वर कलर में है। ब्रेक लीवर इसके काफ़ी कम्फर्टेबल हैं। उसके साथ ही हैंडल में यहाँ पे फ्रंट में आपको एक लम्ब्रेकट मिलता है और इसमें सिल्वर का वाइट कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्स करता है नाइट में। फ्रंट के हेड पे VSA का इसमें आपको लोगो मिल जाता है, VSA ब्रांड की ये साइकिल है। फॉर्क बैरिंग जो हैंडल का बैरिंग सेट है वो रेले टाइप है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लाइफ होता है। इसके साथ ही ब्रेक की बात करें तो इसमें कैलिपर ब्रेक दिया गया है, जो कि एक नॉर्मल रेंज में आता है, लेकिन कैलिपर ब्रेक जो बाकी कंपनियों के आते हैं उसमें सबसे बेस्ट TI का आता है। TI में जैसे हरकुलस BSA ब्रांड आता है। इसके साथ ही जो मरगार्ड है यहाँ पे मेटल का दिया गया है और उसके बाद फोर्क पे यहाँ पे देख सकते हैं BSA का स्टिकर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसके साथ ही इसमें टायर की बात करें तो नॉर्मल इसमें टायर यूज किया गया है, 26/1/3/8 का, जो कि हाइब्रिड में आता है ये टायर। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा होगा, 26/1/3/8 का टायर है, क्योंकि हाइब्रिड में आता है और ये कॉटन टायर है, मेट्रो कंपनी का इसमें टायर दिया गया है। इसके साथ ही रिम इसमें मेटल के मिल जाते हैं, स्पोक मिलता है, फ्लिप टाइप इसमें हब दिया गया है, नॉर्मल इसमें आपको ट्यूब मिल जाता है। अगर इसमें ऑटो बॉल होता या बी बॉल ट्यूब दिया होता तो और भी अच्छा होता है। स्पोक में व्हील के अंदर दो रिफ्लेक्टर मिलते हैं, जो कि येलो कलर के हैं, सेफ्टी के लिए है। फ्रेम में देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे BSA SLR आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चैन इसमें दिया गया SLR टाइप, जो कि काफ़ी बेहतर है और ये कहीं पे भी ड्रेस आपके ख़राब नहीं होंगे, ये और ये मेटल का है। चैन व्हील की बात करें तो 44 teeth का चैन व्हील दिया गया है, जो कि TI कट में उनके खुद के मॉडल हैं। क्रैंक सीधा दिया गया है, अगर ये बैंड होता तो और भी बेहतर होता। प्लास्टिक के इसमें रॉक सॉक पैडल दिए गए हैं, जो कि दो रिफ्लेक्टर के साथ में आता है और इसके अंदर बॉल्स बैरिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का अपना कुछ वेबसाइट दिया हुआ है। पीछे अभी आपको मेटल का मरगार्ड मिलता है और चैन स्टे के ऊपर भी यहाँ पे फोटोन लिखा हुआ आपको मिलेगा। पीछे आपको यहाँ पे कैलिपर ब्रेक मिलता है, सेम एक कैरियर इसके साथ में ही आता है, जो अलग से इसमें लगाया हुआ है, जिसपे आप सामान वामान कुछ 20-30 किलो तक का रख सकते हैं। चैन की बात करें तो इसमें नॉर्मल चैन दिया गया है, फ्री व्हील दिए गए हैं फुल वॉल वाले, जो कि खुद TI कंपनी का अपना है। पीछे भी आपको वही सेम रिम स्पोक और पीछे भी आपको वही रिम मिल जाता है, टायर ट्यूब सेम ही मिलता है। साथ ही यहाँ पे आप टायर के ऊपर देख सकते हैं TI की मोहर है, यहाँ पे ISO का भी आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है, यानी कि जो टायर है मेट्रो कंपनी का ये ब्रांडेड है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी नॉर्मल ट्यूब बी वाल ट्यूब यूज हो रहा है। अगर यहाँ ऑटो बॉल या बी वॉल होता तो कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एक वाल ट्यूब होता है रबड़ का, वो हर 45 दिन में लूज हो जाता है, जिसके कारण से थोड़ी हवा कम होने लगती है। तो अगर ये साइकिल आप ये ले रहे हैं तो 45 डे में ये वाल ट्यूब चेंज करते रहें। खैर, ये 2-3 रुपये की ये आइटम होती है। पीछे भी आपको यहाँ पे मरगार्ड जो है देख सकते हैं मेटल का है, काफ़ी नीचे तक है, पूरा कवर करता है, ताकि बारिश में आपको ऊपर पानी ना जाए। पीछे आपको बैक लाइट मिल जाता है, रिफ्लेक्टर, जो कि रेड कलर का है। इसमें साइड स्टैंड आपको मिल जाता है पीछे यहाँ पे नॉर्मल। लेफ्ट साइड में वैसा कुछ खास है नहीं, जो कि मैं आपको दिखाऊं। तो इस साइकिल का जो प्राइस है
वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। और ये साइकिल 26 इंच में आता है। इसको चलाने के लिए हाइट, मिनिमम हाइट आपका 5 फुट 3 इंच होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी ज़्यादा हाइट हो चलेगा। ये साइकिल लो प्राइस में आती है और इसका मेंटेनेंस खर्च बहुत ही कम आता है। और इसके साथ ये साइकिल इस हिसाब से बनाया गया है, जो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रोड बाइक चाहिए और MTB बाइक चाहिए, उन दोनों का मिक्स कर दिया जाए तो वो बनता है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड साइकिल बनाया गया। ये क्या होता है, थोड़ा अच्छा रोड हो और थोड़ा ख़राब रोड हो, दोनों को मिला के दोनों जगहों पे चल जाती है, ऑफ रोडिंग में भी और ऑन रोडिंग में भी। थोड़ी इसकी राइड जो है स्मूथनेस होती है, MTB से थोड़ी हल्की चलती है और हाइब्रिड से थोड़ी भारी चलेगी। रोड बाइक होती है वो काफ़ी स्मूथ चलती है, लेकिन वो ऑफ रोडिंग पे नहीं, बिल्कुल ही नहीं चल सकती। और ये हाइब्रिड है तो ये ऑफ रोड पे भी चल जाती है और ऑन रोड पे भी चल जाती है, अच्छे रोड और ख़राब रोड दोनों पे चल जाती है। तो ये था साइकिल का पूरा रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।